आज जो हम ऋषिका बहनी जो दार्जिलिंग आके अचानक आज हमें भी एक इनविटेशन मिला है दो घंटे पहले कि एमपी साहब भी आए हैं असम से, तो थोड़ा भेंटघाट करने के लिए आप आइए बोल के जो इन्विटेशन मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऋषिका बहनी और गर्ल्स पार्टी और एमपी साहब को दार्जिलिंग की तरफ से पहले हम स्वागत करते हैं। और ऋषिका र आज उहाँ दार्जिलिङ आएर जुन एउटा यहाँको स्थिति सब बुझेर जानुहुन्छ भन्ने आशा देख्छौँ हामीले है। र विशेष गरी के छ भने आज जुन गल्फले जुन प्रकारको एउटा कार्यक्रम पहाडमा जुन एउटा साङ्गठनिक कार्यक्रमदेखि लिएर सबै कार्यक्रम जुन प्रकार गर्दैछ त्यसमा चाहिँ हामी आइडिआरएफ एउटा नेसनल पार्टी भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई हामी सपोर्ट गरेर अस्ति जुन चाहिँ दिल्लीमा पनि जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू भएको थियो त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले कतिवटा दिल्लीबाट हामीले उहाँहरूको एउटा सपोर्टमा एउटा आदिवासीको जुन चाहिँ एउटा माग एउटा जुन चाहिँ बङ्गालमा जुन एउटा राज्य सरकारको जुन चाहिँ एउटा दमन नीति छ त्यो दमन नीति र जुन चाहिँ एउटा हामी बिङ गोर्खा हामी भएको कारणले गर्दा जुन एउटा हाम्रो अलग राज्यको जुन चाहिँ माग छ आज सरहरूको पनि जुन एउटा डिमान्ड एउटा अलग राज्यको जुन चाहिँ पहिला दिनु उहाँहरूभन्दा पहिला त हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ माग 110 वर्ष भयो भनेर र आज हामी एउटै उसमा छौँ हामी लडाइँमा छौँ है। खालि अलग अलग उसमा थियौँ तर हामी एउटै उसमा हाम्रो सङ्घर्ष छ र आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर सर म सरसँग म रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने कि गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ माग सँगसँगै गोर्खाल्यान्डको पनि एउटा जुन चाहिँ हाम्रो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको म भन्दिनँ किनकि गोर्खाल्यान्डको हामी अहिले किनकि अब एउटा हाम्रो नेपालीमा चाहिँ नजन्मिकन एकैचोटि नाम राख्नु छोराछोरी नजन्मिकन नाम राख्नु चाहिँ हुँदैन भनेर वेआर सेपरेट स्टेट डिमान्डको हामी पक्षमा छौँ र सरलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि सरले सेन्ट्रल जुन चाहिँ केन्द्रमा गएर चाहिँ अलग राज्य उहाँहरूको सँगसँगै हाम्रोलाई पनि फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिदिएर चाहिँ अलग राज्य को सपोर्ट गरिदियोस् भनेर आउने दिनहरूमा गोर्खा कम्युनिटीबाट पनि उहाँहरूलाई जति पनि चाहिने सपोर्ट चाहिँ हामी एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस हामी दिन राजी छौँ। इन्टायर हामी भारतभरिको गोर्खा प्लस विश्वभरिको गोर्खा उहाँहरूको सपोर्टमा हामी जान्छौँ भन्दै मेरो यो सानो वक्त सबैलाई वेलकम गर्दै मेरो यो सानो वक्त म यही र सर हामी तपाईँको माझ आज दुई तिनवटा प्रश्न राख्नेछौँ र सर तपाईँ दार्जिलिङ आउनु भएको छ है र दार्जिलिङमा सबभन्दा राम्रो चिज है तपाईँलाई एकदमै रमाइलो चिज चाहिँ के लाग्छ सर? नै दार्जिलिङमा त ये तो क्या है आपका प्रकृति का जो सुन्दरता है ये भगवान का देन है ये किसी के साथ ये तुलना नहीं होता है तो वही सौंदर्य मैंने यहाँ पर देखने को मिला आगे जो था आज भी ये है भविष्य में भी ये दार्जिलिंग का ब्यूटी हर समय रहेगा लोगों के मुंह में भी रहेगा बहुत अच्छा लगा यार। सो आपको दार्जिलिंग आके बहुत अच्छा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर। आप यहाँ पे दार्जिलिंग पे आए हुए हैं ये किस कारण से आप दार्जिलिंग में आज अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं इसका रीजन क्या हो सकता है? देखिए रीजन कुछ भी नहीं मैं हमारे गल्फ के जनरल सेक्रेटरी है ऋषिका मैडम और उन लोग आगे से हमारे साथ क्या है जान पहचान है और कभी कभी हमारी उधर भी जाके वो लोग बातें किया करते हैं और उन्होंने हमें बोल रहा था कि दार्जिलिंग आके यहाँ के हालत को थोड़ा देखो और हम लोग गोर्खाल्यान्ड के लिए काम कर रहे हैं हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ ऐसा है तो बींग एमपी एमपी की होने के नाते तरह का हालात की बात कर रहे हैं आप गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड समस्या के बारे में यहाँ पर जो हालात हो रहा है संग्राम हो रहा है यहाँ के गोरखा की जो स्थिति है इसको देखने के लिए उन्होंने आप कहा इस, था और इस हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ। सो इस चीज से आप रूबरू हैं? सॉरी इस चीज से जो गोरखाल्यान्ड की एजिटेशन यहाँ पे चल रही थी इस चीज से इस हर एक प्रतिक्रिया जो यहाँ पे हुई थी इस चीज से आप रूबरू हैं कि क्या हुआ था? नहीं 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 इसलिए तो मैं आया हूँ जानने के लिए क्या हुआ क्योंकि
देखो यहाँ के साथ मेरा एक रिलेशन था संपर्क, जब मैं छात्र संस्था में था ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, तब यहाँ के जो ऑल गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन उन लोगों के साथ हम लोग एक साथ मूवमेंट किया था एक समय पे, और नेशनल स्टूडेंट्स एंड यूथ फोरम फॉर स्मॉलर स्टेट नाम के हम लोगों ने एक संगठन बनाया था कोऑर्डिनेशन में, जिसका मैं असिस्टेंट ट्रेजरर भी था, और उस नाते यहाँ पर गोरखालैंड के बहुत सारे जो कार्यसूची उसी टाइम हुआ था उसी टाइम आकर भाग भी लिया था, इसलिए मेरे लिए नया नहीं है गोरखालैंड के बारे में। लेकिन क्या है वर्तमान स्थिति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके साथ इतना मेरा रूबरू नहीं है, ताल्लुक नहीं है माना जाता है। जैसे कि सर आपका जो बोडोलैंड के मांग के लिए भी धरना प्रदर्शन दिल्ली में हो रही है, सो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के धरना प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है? देखिए बोडोलैंड भी बहुत पुराना डिमांड है, और बोडोलैंड का डिमांड को लेकर संग्राम हुआ, दो पर समझौता भी हुआ 1993 में, वहाँ पर बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल सरकार ने दिया था, लेकिन वो सांविधानिक कोई प्रोविजन के अंदर में नहीं था, तो उसको बाद में वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जॉब सा है नया नया, वे लोग कुछ रूल बना के वहाँ के काउंसिल को काम करने नहीं देता था, इसलिए उसको फिर से रिजेक्ट करके वहाँ के लोगों ने आंदोलन चलाया, हम लोगों सब थे सब हम लोगों ने मूवमेंट किया, और 2003 में फिर से बोडो लिबरेशन टाइगर BLT बोल के जिसको जानते हैं असम सरकार भारत सरकार के बीच में बोडोलैंड मुद्दा को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट में भारत संविधान की 6 शेड्यूल के अंदर में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल नाम के एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था वहाँ पर स्थापना की है, और जिसमें हमको 40 विभाग मतलब पूर्णांग हिसाब से काम करने के क्षमता दिए है, और उसको लेके वहाँ पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल आज चल रहा है। लेकिन जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तब से वहाँ पर लोगों ने फिर से यह मांग किया अगर तेलंगाना हो सकता है दूसरी राज्य को भाग कर सकता है तो क्यों ना हमारी राज्य भी नहीं हो सकता है, तो इसको लेके धरना वगैरह कोई आंदोलन वो चल रहा है, लेकिन उसी के लिए मैं खुद भी और आगे ट्राइपार्टाइट जो आलोचना है उसमें एक सिद्धांत हुआ था कि इस बोडोलैंड राज्य गठन के लिए इसको देखने के लिए लोगों के साथ कंसल्ट करने के लिए एक कमेटी किया जाए, और इसके बाद जीके पिल्लाई को मैंने एक जिम्मेदारी देके पिल्लाई कमेटी एक बनाया था 2014 में, वो भी है वो कमेटी अभी तक काम कर नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ का लोग चाहता है उससे भी मतलब जल्दी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये डिमांड भी रेस हो रहा है, बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल भी चल रहा है। डिफाइंस ये है कि यहाँ का गोरखालैंड संविधानिक मैंने प्रोटेक्शन नहीं है, और बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल संविधान के अंदर में है, तो वहाँ पर मतलब ये बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल अच्छी तरीका से ये चल भी रहा है और लोगों का डिमांड भी चल रहा है, और अभी ट्राइपार्टाइट गवर्नमेंट ने अरेंज किया, हम सोचते हैं बहुत जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ जिस तरह से माना जाए कि जैसे कि गोरखालैंड मांगने वाले यहाँ दार्जिलिंग से हैं और आप वहाँ बोडोलैंड की मांग कर रहे हैं आसाम से, क्या आप दो जो समुदाय हैं वो दिखने में आ रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम सारे भारत में अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी है, तो आज भारत 400 करोड़ का पॉपुलेशन है, गोरखा कितना है और गोरखा के साथ रहने वाले यहाँ के आदिवासी कितना है, जो राजवंशी हो कोच मेचे हो आदिवासी हो वो कितना है, तो असम में भी इसी तरह जो बड़ो लोग है 400 करोड़ में उनका परसेंटेज कितना है, हम कुछ लाखों लोग हैं वहाँ के ट्राइबल जो लोग हैं, तो हमारे मुद्दा को हम अकेले कभी राष्ट्रीय पर्याय तक ले जा नहीं सकता है, तो राष्ट्रीय पर्याय में अगर हम ले जाके वहाँ पर इम्पोर्टेंट मिलना है तो वहाँ पर हम एक साथ जाके ही वहाँ के जो सरकार है मतलब हमारे देश के ही दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को हम लोग प्रेशराइज करना होगा, अदरवाइज इस गोरखा कितना है आज नंबर गेम है पॉलिटिक्स में, आज देश के पॉलिटिशियन ने वोट को देखकर ही पॉलिसी बनाता है, अगर किसी का समस्या जेन्युइन भी हो लेकिन उसी से पॉलिटिकल कोई फायदा ना हो तो किसी भी राष्ट्रीय दल जिन्होंने सरकार बनाकर इस देश को संभाल रहा है वो लोग इस समस्या समाधान करने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है, अभी इलेक्शन आया है डेफिनेटली बहुत राष्ट्रीय दल आके यहाँ के गोरखा भाइयों को कहेंगे भाई हमको वोट दो तुम लोगों का गोरखालैंड खटा, इसको तो बोलते आ रहा है, लेकिन आप देखो ये बनने के बाद कभी
गोरखा की समस्या गोरखालैन की समस्या को वहां पर वही लोग मुद्दा नहीं उठाते हैं और उनके राष्ट्रीय जो दोल है उस दोल के किसी भी एजेंडा में भी ये गोरखालैन का नाम नहीं रहता है। विश्वजीत जी आपका एनआरसी के ड्राफ्टिंग को लेकर क्या कहना है? सो एनआरसी का ड्राफ्टिंग असम में हो रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और इसी में अभी भी बहुत लोगों का नाम ड्रॉप आउट हुआ है क्योंकि उनके एप्लीकेशन में वहां पर जो लोग कार्य कर रहा है कुछ ना कुछ मतलब एक दूसरे के साथ मतलब मिला नहीं पा रहा है क्योंकि लीगेसी डाटा आज बहुत साल पहले का है, 50 साल 60 साल पहले का चीजें हैं, तो उसमें कहीं शादी होके बहुत दूसरी जगह पे गया और कोई यहाँ से भी कोई लोग शादी होके गया तो उसका पोता है पोटी है उन लोगों ने लीगेसी डाटा दिया, तो वेस्ट बंगाल अन्य राज्यों से भी इसके कागजात आना है वो टाइम पे नहीं जा पाया। वेस्ट बंगाल में 1.5 लाख लोगों की पेंडिंग है जिन्होंने दिखाया कि वो लोग वेस्ट बंगाल में था, वहां पर शादी के सूत्र गया, व्यापार के सूत्र गया, वहां पर बैठ गया, लेकिन बंगाल सरकार ने अभी तक नहीं क्लियर किया कि वही लोग उसी जगह से था कि नहीं। वो हो जाने से 1.5 लाख लोगों का हमारी जो एनआरसी है उस एनआरसी में आ जाएगा। आज तक सिर्फ 15,000 दिया है, तो इसी तरह सारे भारत का बहुत राज्यों से इसी तरह का कुछ मामला है, तो उसको लेके फिर से अभी 30 दिसंबर तक लोगों को क्लेम एंड ऑब्जेक्शन और इसी तरह राज्यों को इस विषय पर जिन्होंने अपना कागजात दिया है इसके ऊपर इसका स्थिति बताने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, तो ये दिसंबर में ये फाइनल होने का एक मतलब मौका है। मैं सोचता हूँ तब ये समस्या समाधान हो जाएगा। आज जो भी है सबको भी पता है कि वहां पर जो हो रहा है खुद को वहां के लोग या नागरिक ये बताने के लिए प्रमाण देने के लिए जो मौका है ये मौका को बहुत अच्छी तरह से एनआरसी से कंट्रीब्यूट करो, ये सरकार नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से कर रहा है, ये लोग बहुत अच्छे से मौका दे रहा है कर रहा है, इसलिए सब अभी इसी पर लगे रहे हैं, तो ये शांति से मैं सोचता हूँ संपूर्ण हो जाएगा एनआरसी का काम। आपको क्या लगता है कि वहां रहने वाले गोरखा समुदाय के लोग कितने सेफ और सिक्योर फील करते हैं? देखो 100% सेफ है, गोरखा समुदाय को कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है असम में। तो अभी जो देखो कोई कोई तो मुद्दा उठाते हैं कि कोई गोरखा है, कोई आर्मी था, कोई वो था, लेकिन जो फॉर्म भरते हैं उसे में ना मंत्री था, एमएलए था, ना आर्मी था, उसको देने के लिए कोई नहीं था, तो सबका भी एप्लीकेशन सेम है, तो 40 लाख लोगों का ड्रॉप आउट हुआ और ये 40 लाख जो ड्रॉप आउट हुआ है वो हर फैमिली का कोई 1-2 आदमी है, तो इसलिए 40 लाख 7,707 40,07,707 का एप्लीकेशन वो फैमिली का सारे मेंबर है। सो व्हाट यू आर डूइंग फॉर ऑल दिस पीपल राइट नाउ? ना उसके लिए हम लोग अभी क्या कर रहा है कि हर जो एनआरसी का केंद्र है हमारा पंचायत इलाका में उस केंद्रों में उन लोगों का एप्लीकेशन किस कारण रिजेक्ट हुआ और ड्राफ्ट में क्यों नहीं आया उसका रीजन उन्होंने मतलब दिखाया है, तो उसको लेके हम लोगों का जो कार्य करता है हमारे जिन लोगों का नाम किसी गलती से किसी कागजात के माने प्रॉब्लम से ये हो नहीं पाया है उसको मदद करने के लिए काम कर रहा है और हम पार्टी के तरफ से सारे केंद्रों में हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता है उसको माने लगा दिया है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जिनका किसी ऑफिशियल वर्ड्स या कोई पेपर्स का जरूरी है और जो सही है इन सब चीज को ताकि मदद करके ठीक करके उसको ला सके। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं आपकी तरफ से अगर कुछ हो तो? देखिए मेरा कहना यह है मैं आज दार्जिलिंग में आया हूँ गोरखालैन में आया हूँ और हमारे गोरखा भाइयों ने मुझे बुलाया था कि यहाँ एक बार आके मिल जाओ टेक्स जाओ, आया मिला सबको भी तो बहुत अच्छा लगा। जो भी हो ये गोरखा मुद्दा गोरखालैन का मुद्दा ये सिर्फ गोरखा लोगों का नहीं गोरखालैन का नहीं ये हमारे देश का एक समस्या है, तो इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा सरकार और इसके लिए मैं असम से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के हिसाब से, तो मेरा भी मैं एक मौका है पार्लियामेंट में बोलने के लिए प्रधानमंत्री को मिलकर बोलने के लिए होम मिनिस्टर को मिलकर बोलने के लिए, तो ये सब जो करना है मेरी तरफ से मेरी पोजिशन पर रहकर मैं इसको जरूर कहूँगा। सिर्फ मेरा अनुरोध एक है हमारे गोरखा भाई सब एक हो जाओ, अलग अलग होना नहीं चाहिए और यहाँ पर थोड़ा सा है दार्जिलिंग ये गोरखालैन एरिया इस सारे जगह को
अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए एक अच्छे वातावरण यहाँ पर लाना है, और ये वातावरण तब हो सकता है जब हमारे सारे नेतागण हर पार्टी का एक साथ मिल के इसके लिए काम करते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ डेफिनेटली यहाँ पर ये वातावरण आएगा और एक दिन सब हमारे गोर्खालैंड के लोग हो, दार्जिलिंग के लोग हो, सब मिल के अपने इस मुद्दे को हमारी जो अथॉरिटी है उनके पास ले जाके एक सही तरह से समाधान करने के लिए सक्षम होगा, इसको मैं विश्वास मतलब रखता हूँ। ऋषिका जी, तपाईहरुको आज यहाँ मिटिङ भएको थियो है, र यो मिटिङको विषयमा र यसको उद्देश्यहरु के थियो है, यसको विषयमा अलिकति खुलस्त रूपमा। फर्स्ट अफ अल सबैलाई जय गोर्खा। आज मेन यहाँनिर हामीले मिटिङ गर्नुको मेन मकसद चाहिँ के थियो भने, हाम्रो डिफ्रेन्ट 112 जिपीमा नै हाम्रो लाइक सदस्यहरूले क्याडर्सहरूले काम गरिरहनु भएको छ, अनि आज एउटा फर्मल मिटिङ्स पनि थियो। अनि आज हाम्रो मेन यहाँ मिटिङ भन्दा पनि है इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आसामबाट अल द वे फ्रम आसाम हाम्रो एमपी साहब आइदिनु भएछ हाम्रो गोर्खा जातिलाई भेट्नुको लागि है, हामीलाई उहाँको उपस्थिति नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। सो सर वेलकम, वन्स अगेन वेलकम टु द क्विन्स अफ हेल्थ। अनि आज हामी बसेर धेरै कुराहरूको चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ है, त्यसमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो मुद्दा क्रिएसन अफ सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हो। अनि मैले पहिल्यैदेखि भन्ने गर्छु है, द डे फर्स्ट देखि गोर्खाल्यान्ड भनेको चाहिँ संविधान माग हो होइन, कन्स्टिट्युसन डिमान्ड हो, हामीले कन्स्टिट्युसन अनुरूपै माग्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो लाइक मैले भन्दै आएको थिएँ होइन, त्यसमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्रै गरेर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ एमपिजहरू चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्टमा लाइक बोल्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ मेरो थट्स थियो, त्यही थट्सले गर्दा पनि सायद आज है हामी यहाँ छौँ होला। अनि हाम्रो आसामबाट एमपी सरले हामीलाई अस्योर गर्नुभएको छ कि नेक्स्ट सेसनमा जिरो आवरमा डेफिनेटली उहाँले आफ्नो आवाज उठाइदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ है। अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा, उहाँले हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ पिएम अनि लाइक प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्टरसँग पनि गएर उहाँले चर्चा गरिदिन्छु भनेर जुन चाहिँ अस्युरेन्स दिनुभएको छ, त्यो हामी समस्त गोर्खा जातिको लागि नै एउटा ठुलो कुरा हो। किनकि अहिलेसम्म हाम्रो मेन आवाज दबिएको गोर्खाल्यान्डको चाहिँ किन हो भन्दाखेरिको, हामीले जुन जग्गामा बोल्नुपर्ने थियो त्यो जग्गामा हामी बोलेकै छैनौँ। हाम्रो मान्छेहरूले यहाँ जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्छ अनि हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हामीलाई बोलाओस् भनेर, त अन्टिल एन्ड अनलेस सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई थाहै छैन, बुझेकै छैन, कसरी बोलाउँछ हामीलाई। त्यही भएर चाहिँ आज हामी एज अ गोर्खा जाति है रेस्पोन्सिबल सिटिजन अफ इन्डिया हुनुको नाताले मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट्सहरूले बोलिदियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा सायद आज हामी यहाँ छौँ। र म्याम, आजको जुन चाहिँ यहाँ मिटिङ भएको थियो है, यसको छलफलहरू के कसो भयो तपाईँले अगर सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने? हेर्नुहोस्, कतिवटा कुरा है म तपाईँहरूलाई प्रेसमा भन्नु चाहदिनँ किनकि अहिले बङ्गाल सरकारको जति अट्रोसिटिजहरू भइरहेको छ म चाहदिनँ कि मेरो क्याडर्सहरूलाई भोलिको दिनमा गएर प्रब्लम होस् भनेर। सो डेफिनेटली मिडियाले त थाहा पाइहाल्छ आफ्टर फ्यु डेज जब हामीले काम गर्छौँ होइन, अनि गल्फ पार्टीको एउटा सिद्धान्त पनि छ, जबसम्म काम गरिसक्दैन तबसम्म नभन्ने, गल्फ पार्टीको सिद्धान्तलाई कायम राख्दै सायद यो कुरा भाइलाई म भन्नु सक्दिनँ होला आज। यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमा र धेरैवटा जग्गाहरूमा जस्तो कि मिरिक भयो, कालिम्पोङ भयो, तराई भयो है, यहाँनिर अहिले एउटा एजिटेसन चलिरहेको छ है टी वर्कर्सहरूको वेजेसको लागि है, र यो विषयमा तपाईँहरूको के भनाइ छ? हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ टी गार्डनको मुद्दा छ, हामी टी गार्डनको जुन चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरू छ है 132 150 आठाना है, त्यसको बादमा अहिले 176 रुपिस है जुन चाहिँ कुरा गर्दैछ, डु यु थिङ्क हाम्रो मजदुरहरूले चाहिँ त्यति मात्रै पाउनुपर्ने जस्तो लाग्छ? यो होइन नि, हाम्रो मजदुरहरूलाई त यहाँनिर त अङ्ग्रेजले जस्तो प्रकारले राखेको थियो त्योभन्दा वर्स्ट गरेर राखेको छ। आज तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, 180 नै रुपियाँ दियो भने पनि के हुन्छ? जब दार्जिलिङ टीको एउटा प्राइस 500 रुपियाँमा बिक्दैछ भने बेसी टाढो पनि जानु पर्दैन तपाईँहरू। सुनादाकै छेउमा अहिले रिसेन्टली गुडरिकले एउटा चिया दोकान खोलेको छ है, तपाईँहरूले त्यो क्याफेमा गएर हेर्नुहोस्, एउटा चियाको दाम 700 रुपियाँ, 800 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ छ भने डु यु थिङ्क हाम्रो रोजगार चाहिँ त्यति मात्रै हुनुपर्ने? यसको त हामी घोर विरोध गर्छौँ। अनि अभियसली हाम्रो क्याडर्सहरूले है यो विषयमा एभ्री टी गार्डनमा काम गरि नै राखेको छ, प्लस हामी चाहन्छौँ कि यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई गएर बुझाउने, अनि हाम्रो मेमोरेन्डमहरू पनि अलमोस्ट एन्ड अलरेडी भएको छ, चाँडै नै हामी दिल्ली गएर यो कुराहरू हामी सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई सब्मिट गर्छौँ। बिकज अहिले एउटा खसीको मासु नै तपाईँ किन्नु जानुभयो भने 500 रुपियाँ पर्छ भने
अहिले गभर्नमेन्टले चाहिँ 176 रुपीस दिएर चाहिँ हाम्रो जनताहरूलाई किन यो अनमोलमा भुलाउनु खोजेको? जब दार्जिलिङ टी चाहिँ 1,00,000 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ भने हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ किन यस्तो दबाएर चाहिँ 176 रुपिस दिएको? प्रश्नै प्रश्नले घेरेको छ यो। तर हामी चाहिँ एलिसेन्ट लेभलमै गएर हाम्रो मुद्दा उठाएर हामी श्रमिकहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट 300 देखिको 400 रुपियाँसम्म पाउने जुन चाहिँ रोजगार छ त्यति नै ल्याउन सक्यौँ भने पनि हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ। एन्ड गल्फ इज वर्किङ आउट अन इट। र यहाँ अब है विश्वजित जी आउनु भएको छ दार्जिलिङमै, उहाँ राज्यसभाका एमपी पनि हुनुहुन्छ र तपाईँ र उहाँको साँठगाँठ है यो आउने एमपी इलेक्सनको विषयमा के छ? हेर्नुहोस्, 2019 पहिल्यैदेखि मैले भन्दै आएको कुरा हो, एमपी चाहिँ हामी गोर्खा भूमिपुत्र नै पठाउने हो, किनकि जुन चाहिँ गोर्खामा सेन्टिमेन्ट छ गोर्खाल्यान्डको लागि सायद अरू कुनैमा हुनु सक्दैन होला। हामीले प्रिभियस 10 इयर्समा ओभियसली वी गेभ अ चान्स, वी गेभ एन अपर्च्युनिटी होइन, तर सायद हाम्रो मुद्दालाई फलोअप गर्नु सक्नु भएन होला। सायद त्यसमा हाम्रो पनि कतिवटा हाम्रो लिडर्सहरूको पनि त्रुटि छ होला। तर दिस टाइम हामी चाहिँ 2019 इलेक्सनमा चाहिँ भूमिपुत्र नै एमपी पठाउने सोचमा छौँ। र म्याम, हिजो 21 तारिकको दिनमा है विमल गुरुङ गोठका है उहाँका कार्यकर्ताहरू है हिजो दिल्लीमा एसएस आलेवालेज्यूको अगुवाईमा है ट्राइबल मिनिस्टर है ज्वेल ओरमज्यूसँग भेटघाट भयो है। यो 11 गोर्खा जुन चाहिँ जाति छ यिनीहरूको है एसटी स्ट्याटसको विषयमा, यो विषयमा तपाईँको के भनाइ छ? फर्स्ट अफ अल म कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले के गर्दैछ भन्ने कमेन्ट्स गर्नु चाहदिनँ, किनकि आफ्नो आफ्नो मुद्दा लिएर हिँडेको हुन्छ। सायद जे गर्नुहुँदैछ राम्रै गर्नुहुन्छ हुँदैछ होला है, कमेन्ट गर्नु चाहदिनँ। यु क्यान आस्क मी रिगार्डिङ गल्फ रादर देन अदर पोलिटिकल पार्टी। सो अरू केही भनाइ छ तपाईँको? फर्स्ट अफ अल त म सबै गोर्खा समस्त गोर्खा जातिलाई यहाँबाट है म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। जति पनि बाटो भड्केका हाम्रो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ हिल्सको होइन, उहाँहरूलाई पनि म यहाँबाट नम्र निवेदन गर्दैछु। गल्ती सबैबाट हुन्छ, घरबाट भड्किनु भएको छ बाटो, फर्केर घर आउनुहोस्। तपाईँ र हाम्रो सपना चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो, अनि गोर्खाल्यान्डले मात्रै पुरा हुन्छ, अनि यसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ युनिटी हो। United we stand, divided we fall. So I want to request, I want to appeal all the Gorkhas around the world, let's be united and work together for Gorkhaland. Thank you so much. Thank you.